थैंक यू सो मच एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, यार एक बोलता है पीछे से दूसरा सुनना चाहता है। डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगातार आपसे मिलते रहता हूं और ये जो टीम है ये ऐसी टीम है जिसको मैक्सिमम लोगों को मैं खुद जाकर के प्लान दिया हूं, मैं खुद जाकर के ज्वाइन किया हूं और मैं खुद ट्रेन किया हूं। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये टीम आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करे कि डायरेक्ट सेलिंग के करियर में इस टीम का एक अलग नाम हो, एक अलग पहचान हो और चैंपियंस टीम के नाम से जाना जाए। डियर फ्रेंड्स, आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मिल गया है, दुनिया के सबसे अच्छे अपलाइन के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज समझना, आपको अपॉर्चुनिटी बड़ा मिला है, बिजनेस बड़ा मिला है। इस बिजनेस की बात किया जाए तो आज एक नहीं, हजारों ऐसे मिडिल क्लास लोग, हजारों ऐसे नॉर्मल प्रोफाइल जिन्होंने अपना कैरियर लगाया, एसडीपीएस पर भरोसा किया, एसडीपीएस पर विश्वास किया, उन्होंने अपने सफर का शुरुआत साइकिल से किया था, बाइक से किया था, आज वो अपने सपनों के ड्रीम कार मेंटेन करते हैं, आज उनके पास मर्सिडीज है, आज उनके पास जैगुआर है, आज उनके पास पोर्श है। और एक नहीं, अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग में और एसडीपीएस में एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिन्होंने भरोसा किया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिन्होंने विश्वास किया सिस्टम के ऊपर, जिन्होंने विश्वास किया अप्लाई के ऊपर। दोस्तों, मैं दावा देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर फेलियर रेशियो ज्यादा है, लेकिन आज एसडीपीएस में जिन भी लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे फ्रंट लाइन के लीडरों पर विश्वास किया, दोस्तों मैं दावा देता हूं आज एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो 3 लाख 4 लाख से कम महीने का इनकम लेता है। ये पावर एसडीपीएस का, दो यहां से 20 लाख भी अचीवमेंट ले रहे महीने का, 25 लाख भी ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक भी लीडर हमारे साथ का ऐसा नहीं है जिन्होंने हमारे साथ सफर का शुरुआत किया और आज चलता गया वो 3 से 4 लाख से कम महीने का इनकम नहीं दे रहा। ताकि अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं, मैं अपने पड़ोसी की बात करूं, जब उन लोगों ने सफर का शुरुआत किया था तो उस समय देखा जाए तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड थे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन दोस्तों उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको एसडीपीए जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको इन जैसे अप्लाई नहीं मिले। वो मेहनत करते थे, वो हमें बताते थे बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफाइल के पास, अगर मेरी बात किया जाए या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात किया जाए डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग वो लोग हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम अंबानी के लड़के नहीं थे। अगर अंबानी के घर में पैदा होते डियर फ्रेंड्स, तो कभी आर्मी का जॉब नहीं करते, ये सब। तो अगर हमारे प्रोफाइल की बात की जाए, और जब एक आम प्रोफाइल में कोई लड़का यह बोलता है मुझे महीने का 20 लाख कमाना है, मुझे महीने का 20 लाख कमाना है, मैं यहां से पोर्च लूंगा, मैं यहां से मर्सिडीज लूंगा, मैं यहां से ऑडी लूंगा, तो हमारे प्रोफाइल के लोगों को विश्वास नहीं होता, हमारे समाज के लोग भरोसा नहीं करते, लोग बोलते हैं पागल हो गया। और आपके सक्सेस में जो सबसे ज्यादा जो बाधा आता है वो आता है हमारा समाज, हमारे लोग। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बचना है इन लोगों से, तो डियर फ्रेंड्स, आज के बाद एसडीपीएस के जो भी सक्सेसफुल अप्लाई है, जो भी सक्सेसफुल लीडर है जिन्होंने एसडीपीएस में अपना नाम कमाया है,
करोड़ बनेगा। और यहां पर करोड़पति बनना मुश्किल है। जो भी स्ट्रगल है डियर फ्रेंड्स, वो स्टार्टिंग के दौर पर है, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है। दुनिया बिलीव नहीं करती है कि ये इंसान भी यहां से 10 लाख कमा सकता है, ये इंसान 1 लाख भी कमा सकता है। डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है दुनिया का भरोसे को जीतना। जिस दिन लोगों को यह पता चल जाएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आज के समय में सभी को पता है SDPS में गाड़ियों की लाइन लग चुकी है, SDPS में करोड़पतियों की लाइन लग चुकी है। आज ऐसा इंडिया में कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई सिटी नहीं है जहां पर SDPS का पताका नहीं फहर रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर SDPS के ब्रांड कार्ड नहीं आ रहे। यानी डियर फ्रेंड्स, ये हर किसी को भरोसा है, यहां पैसा आता है, ये हर किसी को भरोसा है, यहां इज्जत है, रुतबा है, शोहरत है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो ये भरोसा नहीं कर पाता है कि ये भी व्यक्ति यहां से पैसा कमा सकता है। क्योंकि हम सभी, आप सभी एक आप प्रोफाइल से बिलोंग करने वाले लोग हो, जहां पर लोग 50,000 1 लाख से ऊपर कमाते ही नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं भी 1 लाख महीना कमा सकता हूं, मैं भी 2 लाख कमा सकता हूं। और समाज को आपके ऊपर भरोसा हो गया, लोग को आपके ऊपर भरोसा हो गया, दोस्तों लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई को छोड़ के, बड़े बड़े बिजनेस को छोड़ के आपके साथ कैरियर लगाएंगे, आपको गुरु मानेंगे और खुद की जिंदगी बनाएंगे। आपको जीतना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज समझिए कि मेरे सक्सेस का एक राज है, या यहां पर जितने भी लीडर सक्सेसफुल हुए, आपसे कौशल कुमार जी मिले, अमित दुबे सर, और हमारे गुरु जी का भी सुनने का मौका मिलेगा, सौभाग्य है हम सभी का। इसके अलावा रवि गुप्ता जी, सुधीर जी और बहुत सारे लीडरों को आपको सुनने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज समझना, क्या अंतर था हम में, क्या अंतर था इन लोगों में, और क्या अंतर था उन लोगों में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। आज उसके पड़ोसी भी उसे नहीं जानते। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं आर्मी से था। हमारे साथ हजारों नहीं लाखों समस्याएं थे। लोग सक्सेस होना चाहते, लोग टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन समस्याओं को गिनाना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ तो पैसे का प्रॉब्लम, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम, मेरे साथ ये प्रॉब्लम। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आर्मी का जॉब किया, उसके साथ भी बिजनेस किया, मैं आर्मी के साथ 7,000 का नेटवर्क क्रिएट किया, मैं आर्मी को कभी आड़े नहीं आने दिया बिजनेस में। दूसरी चीज, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, हमने SDPS को पहली प्रोटी दिया, डायरेक्ट सेलिंग को पहली प्रोटी दिया। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप जिस भी फील्ड को पहली प्रोटी दोगे वहां आप टॉपर बनोगे। कोई व्यक्ति राजनीति के फील्ड को देता है तो राजनीति में महान बनता है, कोई व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में देता है तो एक एजुकेटेड बनता है, कोई व्यक्ति बिजनेस के फील्ड में देता है तो बिजनेस में टॉपर बनता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग सक्सेस होना चाहते हैं SDPS में, लोग करोड़पति बनना चाहते, इज्जत चाहिए महिपाल सर वाले, इज्जत चाहिए शिव कुमार वाला। लेकिन दोस्तों, जहां पर प्रॉपर्टी की बात आती है, कभी वो शादी में फंस जाते हैं, कभी वो फंक्शन में फंस जाते हैं, कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी भी बिजनेस को प्रॉपर्टी नहीं देते। ऐसे लोग कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर टॉपर नहीं बनेंगे। आज के बाद एक चीज समझिए, आज के बाद कुछ भी हो, आप SDPS को पहली प्रोटी देना। अगले 5 साल मैं दावा देता हूं, आज उस कोने में बैठे हो, कल स्टेज आपका इंतजार करेगा, SDPS के टॉप लीडरों में आपकी गिनती होगी। दे सकते हो, फर्स्ट पार्टी दे सकते हो। दूसरा चीज दोस्तों, आपको सिस्टम के साथ और अपलाइन के साथ आपको चलना है, आपका
20,000 महीना कमा रहे हो तो आपके पास 20,000 का टैलेंट है, 20,000 के टैलेंट के साथ, 20,000 के मैच्योरिटी के साथ लाख रुपए महीने का इनकम नहीं लिया जा सकता। अगर आपको 20 से 40,000 पर जाना है तो जो लीडर 40,000 कमा रहा है आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसकी उंगली पकड़ के चलना है। और मैं दावा देता हूं जो भी आपका प्लान बोलता है उसको आप फॉलो कीजिए। मैं दावा देता हूं कि अगर 1,00,000 का नेटवर्क है और 1,00,000 के नेटवर्क में सबसे गुरु भक्त लीडर का नाम आता है, सबसे अच्छे लीडर का नाम आता है, आपका नाम आएगा। मैं दावा देता हूं अगले 5 साल बाद 1,00,000 लीडर में आप टॉप पर चले जाओगे। गुरु भक्ति और अपनाई का हाथ पकड़ के काम करो, कर सकते हो, कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त फंक्शन किया है। यहां से जाने के बाद आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक मकसद होना चाहिए। जब मैं SDPS में आया था मैंने टारगेट बना के काम किया, हमेशा टारगेट बनाया। मैं SDPS में आया तो मेरा पहला टारगेट था कि मुझे यहां से 1 साल में करोड़पति बनना है, 1 साल के अंदर। और दोस्तों मैं गुरु जी से पूछा कि गुरु जी क्या है पॉसिबल है, हम दिन रात वेट करने के लिए तैयार है। हमने 7 साल काम किया था SDPS से पहले, सक्सेस नहीं मिली थी, हम सक्सेस के भूखे थे। SDPS का प्लेटफॉर्म मिला, मेरा टारगेट था। क्योंकि दोस्तों आपकी टारगेट ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों के दिलों को झकझोर दे। दोस्तों 1 साल का मैं टारगेट बनाया, मैं बोला क्या करना है, गुरु जी ने बोला सर 1 साल आपको घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, समाज छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं बताता हूँ, जब SDPS को मैं ज्वाइन किया था उससे 2 महीने पहले शादी किया था, 20 अप्रैल 2016, और मैं जून 2016 में SDPS को ज्वाइन किया। हमें फैमिली को टाइम देना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले भी डायमंड था, मेरे पास पहले भी पैसे थे, सब कुछ अच्छे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों जीतने की जीत थी कि नहीं, अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो इंडिया में टॉप करेंगे। दोस्तों फैमिली को बताया अगले 3 साल के लिए भूल जाओ भाई, बोला भूल जाओ हमें, क्योंकि 3 साल अभी मेरा बॉडी है, मेरा तन है, सब कुछ SDPS को समर्पित है। और दोस्तों घर से निकला और निकलने के बाद 20-20 दिन एक एक महीना बाहर रह के काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको सक्सेस होना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। घर का रोटी खाके कोई करोड़पति नहीं बनता। कॉमन व्यक्ति को दुनिया में कोई रोल मॉडल नहीं मानता, कॉमन व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं मानता, आपको कॉमन नहीं कॉमन से ज्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा। आप बहुत सारे लोग औरंगाबाद से आए जानते हैं सभी लोग, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। जब बनारस से निकलता था कोलकाता वगैरह साइड में तो दोस्तों घर से घर के बगल से निकलता था, लेकिन घर का शक्ल नहीं देखते। मुझे भी पापा से मिलना अच्छा लगता था, मुझे भी मम्मी से मिलना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं घर में चला गया, अगर मैं कंफर्ट जोन में आ गया तो कभी भी इज्जत नहीं मिलेगा जो हमने सोचा है, कभी भी वो चीज नहीं मिलेगा जो हमने टारगेट बनाया है। दोस्तों अपने आप को धोखा, और जो शुक्रवार 5,000 के जॉब से स्टार्ट किया था, SDPS की पावर है, 9 महीने के अंदर ऑडी से आ गया था, दिस इज अ पावर ऑफ एग्जांपल। 1 साल में हमने टारगेट बनाया था करोड़पति बनने का, मेरा टारगेट था, हमने अपने आप को धोखा, 1 साल के अंदर करोड़पति बना दोस्त। और आज SDPS प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज केवल 4 साल 9 महीने के अंदर आज SDPS की वजह से 12 करोड़ से ज्यादा का इनकम आ चुका है दोस्त, 12 करोड़ से ज्यादा का। अगर मेरे साथ आया है तो आपके साथ भी आएगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। SDPS से पहले भी मैं 8 साल तक स्ट्रगल किया हूँ, उसके बाद SDPS का प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन मैं प्रॉब्लम से कभी भी टूटा नहीं। बोला जाता है कि जो आदमी जो अगर लोहे को अगर आग में फेंका जाता है तो लोहा जल के राख हो जाता है, और सोने को फेंका
फेंका जाता है तो सोना निखर जाता है। अगर प्रॉब्लम से टूट गया तो लोहा हो और प्रॉब्लम से निखर गया तो सोना हो। प्रॉब्लम से टूट गया तो रोड पट्टी हो और प्रॉब्लम से निखर गया तो आरा पट्टी हो। दो SDPS करोड़पति बनाने का बिजनेस नहीं, SDPS अरबपति बनाने का बिजनेस है। हमने करोड़पति की अभी फैक्ट्री खड़ी की है और दावा देता हूं SDPS यो प्लेटफॉर्म है जहां से अरबपति लीडर भी तैयार होंगे। दावे के साथ मैं बोलता हूं सिर्फ ये देखना है कि आपका नाम कहां पर रहेगा। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है लेकिन आपको टारगेट बना के काम करना पड़ेगा। यहां से जाने के बाद मनाली टारगेट है। मनाली की बात किया जाए तो इंडिया में बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब बर्फ में जाओगे जब जून के महीने में, जुलाई के महीने में जब आप मनाली जाओगे वहां पर आपको बर्फ से खेलने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लीडरों से खेलने का मौका मिलेगा। तो यहां से जाते ही आप माइंड में फील कीजिए कि कुछ भी हो अगले एक महीना के अंदर मुझे मनाली जीतना है और एक महीने के अंदर तुम मनाली जीतोगे तो अगला टारगेट लगाओ कि अगले एक और महीने, दो महीने का टाइम है, दो महीना छह दिन, अगले दो महीने के अंदर आपके टीम में और दो लीडर को मनाली जिताना है। इस काम को इस टारगेट में कर दो और तुम सात बार कंटिन्यू टारगेट जीत लो, टारगेट जीतने की आदत लगा दो। आज तुम चाहे 1000 रुपया कमाते हो, 2000 कमाते हो, 5000 कमाते हो, मायने नहीं रखता। 7 टारगेट कंटिन्यू अचीव करो, तुम्हारा नाम डायमंड में होगा। ये दावा है दोस्तों और ये मेरा कैलकुलेशन है। Everything is possible. और मैं बताता हूं, आज मैं 35 लाख प्लस का इनकम लेता हूं, मायने नहीं रखता। आज मैं 12 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट लिया, मायने नहीं रखता। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस से सुकून मिलता है। आज हमारे साथ आए लड़के जो कि साइकिल से आए थे, जो कि बाइक से आए थे और जब आज ब्रांड का ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर लेके आते हैं दोस्तों और बोलते हैं गुरु जी आपने उस दिन बातें बताई थी और यहां लगी, आज जगुआर आ गया, आज ऑडी आ गया। तो दोस्तों मजा आ जाता है और बोल सकते हैं कि जिंदगी जीने का नाम इस GPS है। मजा आ जाता है दोस्तों, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। केवल आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और दोस्तों हम SDPS में इतिहास बनाने के लिए आए हैं। एक मैं कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक जगह की बात है, एक जंगल में आग लग गया, बहुत तेज आग लगा और वहां पर जब आग लगा तो शरारती तत्व देख रहे थे, कुछ चिड़ियों का झुंड आता है और एक एक बूंद पानी से उस आग बुझाने की कोशिश करता है। और जब वो आग बुझाने की कोशिश करता है मटके में पानी से तो शरारती तत्व आते हैं और बोलते हैं मूर्ख चिड़िया क्या तुम इस आग को बुझा पाओगे, तुम मूर्ख हो। तो वो चिड़िया का झुंड हंसता है और बोलता है मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो, क्योंकि ये जो भयंकर आग लगी है इस आग पर एक इतिहास लिखा जाएगा और जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वाले में लिखा जाएगा और हमारा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इतिहास लिखना है, आप मिलकर काम कीजिए। आज हम 5 साल में यहाँ पर पहुंचे हैं, किसी को 6 साल लगेगा, किसी को 7 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेगा। हम दावा देते हैं हम अपने अपलाइनों के भी हेड पर, सीनियर मोस्ट लीडर के भी हेड पर आप एक कदम चलिए, हम 10 कदम आपके साथ देंगे। चाहे आपके सक्सेस के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी जगह जाना पड़े, 5 साल चलिए, आपको जरूर करोड़पति बनाएंगे। दोस्तों ये दावा है हमारा। दोस्तों मैं इसी वाणी के साथ आज के स्पीच को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।